छह वाली, आठ वाली, दस वाली, क्या रातों में जाकर करता पढ़ाई, मॉर्निंग के टाइम में पीने था चाय, भाई पीने था चाय। पैसा इस दुनिया में कौन लेकर गया है? कोई नहीं। आयो जाना तो है तो क्या गरीब, जितना अच्छा गाना है इनका उतना अच्छा चाय है। गरीब क्या होता है, गरीब असल में गरीब यहाँ पे कोई नहीं है, बस अमीर और गरीब दिल से होना चाहिए। भाई मेरे साथ में खड़ा है भाई, माइक भी लगा कर भाई मेरे वीडियो क्या भाई लेते ही जा रहा भाई। भाई का नाम है मेरी ओर है पर चाय की दुकान पे आ जाना भाई। मैं रूपम सिंह आज पटना के सड़कों पे आई हूँ और यहाँ पर एक चाय वाले के पास आई हूँ। चाय तो आप सभी पीते होंगे, सुबह शाम आप चाय पीते होंगे, हर दुकान में भी जाते होंगे तो वहाँ चाय का आनंद लेते होंगे, लेकिन जब कोई चाय आपको गाकर सुनाए और उस समय जब चाय थोड़ा अलग अंदाज से दे तो उसका तो पीने का मजा ही कुछ और है। तो यहाँ पर जब मैं चाय पीने के लिए आई तो यहाँ पर जब चाय के लिए जब मैं पूछी कि मुझे चाय पीना है तो थोड़ा अलग ही अंदाज से इन्होंने बोला, छोटा सा चाय भी उठा कर पियो मेरे भाई। भाई मेरे साथ में खड़ा है भाई, माइक भी लगा कर भाई मेरे वीडियो क्या भाई लेते ही जा रहा भाई। जब कोई चाय पीने के लिए यहाँ पर आता है और जब चाय मांगता है तो उसे आप क्या करते हैं? अरे छह वाली, आठ वाली, दस वाली, क्या रातों में जाकर करता पढ़ाई, मॉर्निंग के टाइम में पीने था चाय भाई, पीने था चाय। छह वाली, दस वाली, मतलब छोटी या बड़ी चाय पीने वाला, तो छह वाली, आठ वाली, दस वाली, क्या रातों में जाकर करता पढ़ाई, मॉर्निंग के टाइम में पीने था चाय भाई, पीने था चाय। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है बस इनके चाय पीने की, और शायद ये इस तरह से जो गाकर सुनाते हैं उसकी वजह से ही, थोड़ा अलग अंदाज में जो गाकर सुनाते हैं उसकी वजह से ही यहाँ पर सब लोग पी जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपका जो ये रैप्स गाते हैं वो कब से इस तरह का नशा चढ़ा? मैम ये रैप तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब खुद के ऊपर अपने वर्क कर रहा हूँ, मतलब जब समय मिला मेरे को ऊपर तो कभी भी मैं प्रैक्टिस करते हुए सिचुएशन को ऐसे क्रिएट कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बस प्रैक्टिस में जारी रखता हूँ। अपना पूरा विवरण आप रैप में ही? अच्छा, सड़क पे चलता हूँ तो भी रैप में करता हूँ, मुझको ही देख कर बंद कहाँ पगला, पगला को जाने दे भाई तेरा अगला, अगला भी काम मैं करूँ मैं सकला, भाई का नाम है मेरी ओर रैप और चाय की दुकान पे आ जाना भाई। और क्या पूछना है? अच्छा, आपने गाया। मुझे ये बताइए कि क्या आपको और भी कहीं से इस तरह से ऑफर मिला है गाने के लिए, कहीं आप शो वगैरह भी करते हैं क्या? अभी तक तो शो भी मिला नहीं है, इसलिए पता नहीं, मैं अपना हार्ड वर्क करता जा रहा हूँ, जब भी शो भी मिलेगा आप तो देखोगे, मुझको गाओगे, टीवी पर बताओगे। और क्या मिला? अभी तक तो ऐसा मिला नहीं है, बट छोटी मोटी शोकेस। आपको जुनून चढ़ा कि मैं चाय बेच रहा हूँ और एक मतलब गरीब आदमी चाय बेच रहा है वो तो समझ रहे हैं, और उस तरह का जुनून कहाँ? गरीब क्या होता है, गरीब असल में गरीब यहाँ पे कोई नहीं है, बस अमीर और गरीब दिल से होना चाहिए। पैसा इस दुनिया में कौन लेकर गया है? कोई नहीं। आयो जाना तो है तो क्या गरीब, मतलब संसाधन साधन तो उतनी नहीं ना मिल रही है कि जैसे और लोग को मिलती है कि वहाँ जाके मैं पढ़ सकूँ सीख सकूँ। हाँ वो सिचुएशन तो है मैम, मैं पढ़ाई के लिए मेरे पास भी पैसा नहीं था, सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए गया था बट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे घर में एक सिस्टर थी, बड़ी हो रही थी धीरे धीरे, उसको भी कुछ करके बताना था, दिखाना चाहूँ उनको, तो मैं अपना पढ़ाई को ड्रॉप करके मैं उसको आज पारा मेडिकल की तैयारी करवा रहा हूँ, स्टडी करा रहा हूँ। मैं तो लड़का हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँगा। अगर लेडीज़ अगर सिस्टर किसी के घर में कुछ नहीं करती है तो माँ बाप पे ताना चलेंगे ना। हाँ बस मेरा प्यार है, लोगों का दुआ है जो यहाँ पर सारे लोग मेरे पास आते हैं। आप लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, ऐसे गाना को सुनने के लिए आते हैं? दोनों सुनने आते हैं। इधर आइए, आप पहुँच नहीं पाएंगे। हम लोग चाय और गाना दोनों सुनने आते हैं। अच्छा, चाय अच्छा बनाते हैं? एक नंबर चाय बनता है। और गाना? गाना भी बढ़िया, उतना अच्छा चाय, जितना अच्छा गाना है इनका उतना अच्छा चाय है। गाना गाने के लिए आप लोग बोलते हैं या खुद से सुनाने लगते हैं? खुद से सुनाने लगते हैं। मैम इनका रैप सुनने के लिए चाय पीने आते हैं, दिन भर का फ्रस्ट्रेशन इनका रैप सुन के दूर हो जाता है, हाँ क्लास का फ्रस्ट्रेशन, फैमिली का फ्रस्ट्रेशन, सब चीज स्टूडेंट लाइफ में सब चीज झेलना पड़ता है, वो इनके रैप से सब दूर हो जाता है। ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। चलिए अब मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगी क्योंकि मैं सड़क के पास हूँ और यहाँ पर
भीड़ ज्यादा लग रही है और जाम भी लग रहा है। तो मैं यहीं पर विराम देती हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे जो भी हैं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आते हैं और चाय पीते हैं और उनका कहना है कि जो भी हमारी परेशानियां होती हैं इनका सॉन्ग सुनकर इनके रैप सुनकर वो दूर हो जाते हैं। चलिए बने रहे न्यूज पेपर। तो NTPC का एग्जाम भी हो रहा था और बच्चे काफी तकलीफ में रहते हैं, जिस तरह से एग्जाम का डेट आगे पीछे होते रहता है, आंदोलन होते रहता है, तो बच्चे पर भी कुछ बनाए हैं? हाँ, कुछ बनाए हूँ। बच्चे लोग बेचारे हैं, एग्जाम के कारण वो दे नहीं पाते हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन नहीं हो पाता है, तो उन पे भी लिखा हूँ। अरे आया है घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोली बिन कमाए लेता है खर्च, कमाने वाले एक ना टेंशन, असर पे भी ना मेहनत किए बेटा मिलते हैं ना पैसे, ओके डिप्लोमा भी टेक पास सही रोडों पे बिकते सस्ते किताब ने, एजुकेशन को पैसे पे तोलते, यहाँ एग्जाम होता पर रिजल्ट का, डिग्री लेकर देखो यहाँ वहाँ स्टूडेंट की लाइफ भी तो ना जाने का, अरे क्लास के बाद भी टाइम नहीं मिलता, रूम पर खाना भी बना नहीं पाता, रात को खाने में कुछ भी खाकर पूरी रात काटता, सुबह के नाश्ते में खाता मैं पास्ता, नीचे भी देखकर चलता मैं रास्ता, प्यार के चक्कर में किया टाइम पास, मुझे पता चला जब ये सब बकवास, अरे दिल से निकाल कर किया तुझको किल, कब तक भरूंगा मैं तेरा बिल, जा तू ढूंढ ले किसी और का दिल, डस्टबिन में फेंक दिए सारे मुश्किल, तू नहीं थी ओ मेरी काबिल, तुझे छोड़कर किया खुद को हासिल, अरे जॉब के लिए भटके इधर उधर, कोई ना देता भाई मुझे खबर, बेरोजगारी ढूंढे यहाँ पे जॉब, बीटेक वाले लगा रहा है डिग्री का भाग, मुझे ना था भाई बैठने का शौक, क्यों? क्योंकि जवानी गवा रहा है, उम्र बढ़ा रहा है, 35 से ऊपर 30 से नीचे टांग मेरे शादी के लिए खींचे यहाँ जा रहे, पड़ोसी भी मारते देख कर ताने, लड़की ना मिलेगी तुझे बेस साल है, मजबूरी में मैट्रिक पास में लड़की पसंद करके आया मैं सर जी, बिना कुछ लिए दिया हुआ शादी, अब होने वाला यहाँ से बर्बादी, रातें ना करती आधी आधी, कब मिलेगी मुझे आज़ादी।